जिससे पहले ये जेई का सफ़र शुरू हो, उससे पहले मैं तुम्हें अपने पास्ट और प्रेजेंट से मिलवाना चाहूँगी। ये हूँ मैं, डरी सी, सहमी सी, जिसे ये तक नहीं पता कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहती है। और ये भी हूँ मैं, जिसे अपने गोल्स पता हैं, कॉन्फिडेंट हैं और इंडिपेंडेंट हैं। तो इतना सब बदला कैसे? वजह सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है सफ़र, जेई का। तो आज मैं वही सुनाने जा रही हूँ। जब मेरे 10th क्लास का रिजल्ट आया था, तब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और परसेंटेज इतनी ज़्यादा बन गई थी कि साइंस, मैथ्स और बायो के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं मिला। बट बड़ी मुसीबत ये नहीं थी, मेरी लाइफ जब चेंज हुई जब मैं 8 साल से रह रही एक जगह जोधपुर, वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह आ गई। नया शहर, नए लोग, सब अनजान। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया मुझे खाने को आ रही है। अब मैं जिस सिटी से आई थी वहाँ पर जेई की प्रिपरेशन 3 महीने बाद शुरू हुआ करती थी, पर जब मैं नई सिटी में आई तो वहाँ पर ऑलरेडी 3 महीने का कोर्स हो चुका था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मैंने 11th क्लास में स्कूल में भी एडमिशन लिया था और जेई की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग में भी, पर दोनों जगह अलग अलग चीज़ें चल रही थी और आधा सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुका था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने दोनों चीज़ें बहुत बैलेंस करने की कोशिश की बट नहीं हुआ और मुझे मेरी रेगुलर स्कूलिंग छोड़नी पड़ी और डमी स्कूल ऑप्ट करना पड़ा। मेरी आधी 11th हो गई थी पर मुझे ये भी नहीं पता था कि जेई क्या है, IIT क्या है। बस इतना पता था कि इसको क्लियर करने के बाद लाइफ सेट हो जाती है, जैसा कि सोसाइटी बोलती है। इस बीच में मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुई हूँ। क्लास में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और बैकलॉग भी ऊपर से इतनी सारी हो गई थी एंड मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं था। ये सभी चलता रहा और यस, आई कैन से आई वॉज इन डिप्रेशन। मैंने मेरे जेई के टाइम पे 15 kg वेट लूज किया था। हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि एक पॉइंट पर मुझे चक्कर भी आने लग गए थे। मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी और एक पॉइंट ऐसा था कि मैं बुक खोलकर बैठी रहती थी, पढ़ती कुछ नहीं थी, बस बुक में जो वर्ड्स लिखे रहते थे वो देखती रहती थी। ऐसे करते करते 11th ऑलमोस्ट ओवर हो गई थी और मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आया था कि पढ़ना कहाँ से है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। और मैंने जब अपने 11th क्लास के एग्जाम्स दिए थे उसमें आई स्कोर 60%। आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड फ्रॉम माई सेल्फ, आई लिटरली लॉस्ट ऑल माई होप कि मतलब जो बच्ची क्लास में टॉप किया करती थी शी इज नाउ स्कोरिंग 60%। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था वो। आई लिटरली लॉस्ट ऑल दी होप्स। और ये पॉइंट ऐसा आया था कि उस टाइम पे मैंने बिल्कुल पढ़ना छोड़ दिया था। हम सबको पता है कि 11th क्लास में हमारे इमोशंस कैसे चेंज होते हैं, वो लाइक बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। तो उस टाइम पर ही सारे डिस्ट्रेक्शंस आते हैं। पर फिर मैंने मेरे आसपास देखा और मेरे घर वाले मुझसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि उनको लगता था कि उनकी बेटी एक बार में जेई निकाल लेगी और उन्होंने मुझसे बस एक लाइन बोली थी कि बेटा डोंट डिसअपॉइंट अस। इस लाइन के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया और अब आ गई थी मेरी 12th क्लास। मुझे अंदर से पता था कि मुझे अभी तक कुछ नहीं आता, पर मुझे ये भी पता था कि अब मुझे पढ़ना है। मैंने आसपास लोगों को देखा कि वो विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व कर देते थे और मुझे इतने टाइम तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्वेश्चंस में पूछना क्या चाह रहे हैं। और दिमाग में ये था कि मुझे इन बच्चों की जगह होना है। और इसी मोटिवेशन के साथ मैंने 12th क्लास से पढ़ना शुरू कर दिया। मैं रेगुलरली सारी चीज़ें रिवाइज करा करती थी एंड साथ साथ में मैंने 11th की बैकलॉग पर भी वर्क करना शुरू कर दिया। तो ऐसे करते करते मैंने मोस्टली अपना पूरा सिलेबस कवर कर लिया था, बस कुछ टॉपिक्स को छोड़कर, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इन टॉपिक्स को करूंगी भी ना तो भी मुझसे इनके क्वेश्चंस नहीं होने। और इन्हीं स्ट्रगल्स के बीच NTA ने JEE मेंस की डेट रिलीज कर दी। मुझे नहीं पता था कि मैं तैयार हूं कि नहीं, क्योंकि अभी भी मेरी क्लास में मुझसे काफी लोग बेटर कर रहे थे, बट फिर भी एग्जाम देना था। और मेंस के पेपर से पहले मैं पूरी रात नहीं सोई क्योंकि अंदर से डर था बहुत ज्यादा। सुबह बस बेड से उठी और गई एग्जाम सेंटर। सेंटर के बाहर जो हार्ट बीट रेट थी वो हर कोई JEE एस्पिरेंट इमेजिन कर सकता है कि या तो आज मैं अपना फ्यूचर सिक्योर करके आऊंगी या फिर पता नहीं क्या होगा। मैं तैयार थी पेपर देने के लिए शायद, पर मुझे एग्जाम सेंटर के बाहर पता चलता है कि मैंने मेरी पासपोर्ट साइज फोटो कहीं रास्ते में गिरा दी और वो थी भी मेरे पास सिंगल कॉपी। सेंटर पर बहुत कोशिश की पर बिना पिक के एंट्री अलाउड ही नहीं कर रहे थे। अंदर से मैं पूरी तरीके से हार चुकी थी, बट फिर सेंटर वालों ने बोला कि आप फोन से पिक क्लिक कर लो, हम प्रिंट करवा के दे देंगे, बाकी सब हम देख लेंगे। तब जाकर सांस पे सांस आई और लॉगिन करने से जस्ट 5 मिनट पहले मैं रूम पर पहुंची। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर मैंने अपने आप को जैसे तैसे कर संभाला और पेपर दिया और पेपर अच्छा भी हुआ था। मैं खुश थी एग्जाम हॉल से बाहर आते वक्त और ये खुशी कंटिन्यू भी रही थी जब JEE मेन का रिजल्ट आया था एंड आई स्कोर्ड अ गुड परसेंटाइल। पर अब बात आती है बोर्ड्स की,
उसके लिए तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा था और एग्जाम में बस एक महीना बचा था। फिर मेंस के बाद पूरे एक महीने मैंने बोर्ड्स पे फोकस किया और मेरी प्रिपरेशन भी काफी अच्छी थी, पर बोर्ड से दो दिन पहले मुझे होता है मुझे फीवर हो गया और जब मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तब डॉक्टर मुझसे बोलते हैं कि मुझे चिकन पॉक्स है। तो मैं अपना पहला पेपर फीवर में लेकर आई थी, फिर भी आई मैनेज टू स्कोर 85% इन बोर्ड्स। इसी खुशी को मैं सेलिब्रेट कर रही थी पर फिर आ गई हमारी एडवांस की डेट्स और शुरू हुआ डर और साथ में पढ़ाई। दिन रात घिसे थे उस टाइम, बाकी सब छोड़ दिया था। जे एडवांस के एग्जाम के एक रात पहले भी मैं सोई नहीं थी और मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी। पूरी दुनिया भर के थॉट्स उसी टाइम पर आ रहे थे और समझ नहीं आ रहा था कि अब कल क्या होगा, पर हिम्मत थी और भरोसा भी था कि जो होगा अच्छा होगा और मैं चली गई एग्जाम दे रहे हैं। फिर फर्स्ट शिफ्ट के बाद मैं खुश थी कि हाँ पेपर ठीक हुआ है और दूसरा शिफ्ट भी मैं करके आ गई और घर आते ही मैंने पेपर के बारे में सोचना छोड़ दिया था। डर की वजह से मैंने आंसर्स भी क्रॉस चेक नहीं किए थे जो कोचिंग के OMR आते हैं उनसे। मैंने सोचा था सीधा रिजल्ट देखेंगे और अब आ गई रिजल्ट की डेट। बहुत डर लग रहा था, बहुत ज्यादा। अपना रोल नंबर टाइप किया, एंटर प्रेस किया और स्क्रीन पर आता है सॉरी यू हैव नॉट क्वालिफाइड जे एडवांस। पर किसे पता था ये तो बस अभी मंजिल की तरफ पहला कदम है। भारत में एक दिन में मिले कोरोना के 132 नए मरीज।